स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं। पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, GST और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण, और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो
सर, तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। सर, दूसरी तरफ आपने पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए एक रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता हैं, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया, तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया। आज तक रोड बंद है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो सर, आप सर, एक मिनट, हाँ चलिए, आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं, सर मैं आपको फैक्ट बताता हूं। पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें, वो सदन पर आरोप नहीं लगा है। सर, हुआ क्या? वहां पे सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया, तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया, तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज, नो प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई, आप मिले उनसे, अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात, बट सर
प्लीज नो माने सर, आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण है तो ये आपको बेटे बेटे कौन से धर्म नेता अधिकारी है? माननीय माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं इधर के लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं? सर, हम चाहते थे, हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है जो चक्रव्यूह में आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं वो निकल पाते, ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूँ, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोलो, आप बेटे बेटे चिपनी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो, प्लीज फिर चिपनी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था, जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाए। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली, मिडिल क्लास ने पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे।